हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मैं हूं देवराज चंद्राकर और मेरे साथ है शुभम, जिन्होंने फोड़ा है गेट में, पीआई और मैकेनिकल पेपर में। सो हेलो शुभम, सबसे पहले आप बधाई आपके सक्सेस के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स अलॉट। शुभम, एक मैं जानना चाहूंगा कि आपका बैकग्राउंड क्या था, कि आप मतलब कब से गेट के बारे में सोचे, आपका कॉलेज कौन सा कॉलेज, मतलब कहाँ से आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, या अभी मतलब आप पास आउट है? यस सर, मैं पास आउट हुआ था 21 में। ओके, सो आप बता दीजिए कि कौन से कॉलेज से आप पास आउट हैं, आपने गेट के बारे में क्यों सोचा और कब से सोचना शुरू किया? सर मैं झारखंड के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से 2017 में इनरोल हुआ था, 21 में पास हुआ हूँ। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में ही था, तो मैं थर्ड ईयर में जब था तो मुझे पता चला कि गेट से पीएसयू की रिक्रूटमेंट होती है, जिससे डायरेक्ट हमें जॉब मिलता है, क्योंकि मेरा टारगेट जॉब ओरिएंटेड ही था। इस हाँ कारण से फिर मैंने गेट पे फोकस करना शुरू किया। और लेकिन 21 में कोविड आ गया, तो उस समय थोड़ा सा डिले हो गया हमारे प्रिपरेशन में, कुछ उस समय सोर्सेस नहीं थे हमारे पास। उसके बाद 21 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, देन 1 ईयर में सिलेबस कंप्लीट हुआ, देन उसके बाद फिर 23 में मेरा रैंक आया। ओके, सो ये 1 ईयर का जो सिलेबस कंप्लीशन था वो कॉलेज के साथ था? नो सर, कॉलेज के बाद था, 21 में मैंने पास किया था, 21 के बाद मैंने सिलेबस कंप्लीशन किया था कॉलेज के बाद। ओके, तो ये जो सिलेबस कंप्लीट किए, तो आप स्टार्ट कैसे किए और उसका एंड कैसे किए, मैं मतलब जानना चाहूंगा। एंड तो हमें दिख रहा है, रिजल्ट तो दिख रहा है, लेकिन स्टार्ट से जो एक जर्नी है वह एक बार हमसे शेयर कीजिए। सर सबसे पहले मैंने देखा, सिलेबस उठाया कि कौन कौन सब्जेक्ट हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, तो 12 सब्जेक्ट का मैंने नाम नोट किया। उसके बाद मैथ्स फॉर एप्टीट्यूड, जो कि 28 मार्क्स का होता है, उसको भी मैंने लिखा। उसके बाद मैंने बेसिक सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, जो कि हमारे मैकेनिकल में आते हैं, थर्मोडाइनमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मैकेनिक्स। अब बेसिक सब्जेक्ट को मैंने अपनी पकड़ बनाई, क्योंकि अगर हमारा बेस स्ट्रांग होता है तो हमारा बहुत आगे हमें काम देता है, जो एप्लीकेशन सब्जेक्ट आते हैं उसमें। तो बेसिक सब्जेक्ट में मैंने काफी अच्छे से काम किया, और खास करके मैंने प्रोडक्शन को काफी अच्छे से पढ़ा, क्योंकि प्रोडक्शन और मैकेनिकल दोनों ही में प्रोडक्शन काफी ज्यादा वेटेज होता है गेट में। और हाँ उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने एप्लीकेशन सब्जेक्ट पर पकड़ बनाई जब मेरा बेसिक क्लियर हो गया। और मैथ्स और एप्टीट्यूड को मैंने स्पेशल स्ट्रेटजी के साथ उसको स्पेशल टाइम दिया और उसको स्पेशल तरीके से पढ़ा, क्योंकि 28 मार्क्स का हमारे गेट में वो आता है। और इसके बाद फिर मैंने टेस्ट सीरीज लगाई, उसके बाद फिर मेरे गेट में रैंक आया। बढ़िया। शुभम, एक चीज मैं सभी जितने व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि शुभम बेसिकली स्पेशल क्लास और यूट्यूब से लर्न किए हैं ज्यादातर जो चीजें हैं, और टेस्ट सीरीज बिल्कुल इन्होंने फॉलो किया था, है ना। सो शुभम, आप जब यूट्यूब से देखते थे, क्लासेस देखते थे, तो उस समय डिस्ट्रैक्शन नहीं आता था, कैसे आप मैनेज करते थे? यस सर, मैंने उसके लिए क्या किया था कि सारे जो सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन है उसको मैंने ऑफ करके रखा था, जैसे ओके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिसका भी नोटिफिकेशन ऑफ करके रखा था। और सिर्फ यूट्यूब में जो स्टडी चैनल है उसी को सब्सक्राइब करके रखा था। तो जिससे क्या होता था कि अगर वहां पर कोई वीडियोज आपकी आती थी तो मैं उसको देख लेता था, चाहे कोई और सर की आती थी, तो जिससे मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। और बाकी जब एकदम अर्जेंट होता था तभी मैं, किसी का कॉल भी आता था तो रिसीव करता था, जिस कारण से मेरा डिस्ट्रैक्शन बंद था, क्योंकि हमें खुद ही स्टेप उठाना पड़ेगा हमारे डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए। बहुत बढ़िया, एकदम आपका वो जो थॉट है वो क्लियर है इन चीजों को लेकर, तभी कहीं ना कहीं जाके वो जो सेल्फ डिसिप्लिन वाला पार्ट है वो आता है। ऑब्वियसली हम सारे जितने लोग हैं, एजुकेटर्स हैं, वो काम करते रहते हैं कि हर एक कोने में जो भारत में स्टूडेंट हैं उनके पास हम एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा पाए, है ना। चाहे वो किसी भी एक तबके के से बिलोंग करते रहे, उसको हम एक अच्छी चीज प्रोवाइड कर सके, ये हम कोशिश करते हैं यूट्यूब के माध्यम से, हमारे स्पेशल क्लास के माध्यम से बिल्कुल हम प्रोवाइड करते हैं। और ऑब्वियसली हमारे जो कोर्सेज हैं वो तो है ही, टेस्ट सीरीज जो है वो है ही। सो शुभम, एक चीज ये बताइए कि आप, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो आप कब कंप्लीट कर लिए थे? एग्जाम हमारा फरवरी में था, सो आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था? सर मेरा फुल लेंथ जो सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो सितंबर तक कंप्लीट हो गया था जो सारे सब्जेक्ट का था, और उसके बाद रिवीजन स्ट्रेटजी, देन फुल लेंथ, ये बचा था हमारे पास करने के लिए। कब तक आप कंप्लीट कर लिए थे बोले? सितंबर 2022 तक मेरा सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया था। सितंबर में? यस सर, ओके ओके इससे आप, इससे अगर आप सिलेबस पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो सर क्या फायदा होता है कि रिवीजन हम मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, क्योंकि गेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ की हमारे पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि स्टूडेंट चुके नहीं मार सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए उस सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आए हैं,
इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है गेट में। तो रिवीजन के लिए आपके पास सफिशियंट 2-3 मंथ का टाइम होना चाहिए गेट से पहले, जिस कारण से मैंने सिलेबस सितंबर तक कंप्लीट कर लिया था अपना। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे तो उस समय क्या बीच-बीच में आप रिवीजन करते थे? ये सर मैं क्या करता था, जैसे मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा उसका मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया जो जो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि रिवीजन के समय शॉर्ट नोट्स बहुत काम देता है, और मैं वो शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करते रहता था। जैसे मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, अब मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहा हूँ, तो मैं थर्मोडायनेमिक्स से शॉर्ट नोट्स वीक में एक बार जरूर रिवाइज करता था, और फिर जब मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता था तो मैं अपना रिविजन का फ्रिक्वेंसी बढ़ा देता था। उसके बाद आपका सितंबर के बाद से आपने रिवीजन पे फोकस करना शुरू किया। तो टेस्ट अगर मैं कहूँ तो टेस्ट में तो स्पेशली अगर बात करें तो आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट होते हैं ये कैसे आपने प्लान किया और कितने टेस्ट आपने दिया होगा? यस सर, सर मैं क्या करता था कि टॉपिक वाइज जो सबसे पहले जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 2 पार्ट में टेस्ट रहते हैं, 20-20 हाफ हाफ मार्क्स के, तो मैंने क्या करता था, अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लिया मैं उसका सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दे देता था, जिससे मुझे वीकनेसेस पता चल जाती थी कि मान लीजिए मेरा टॉर्सन वीक है, मेरा डिफ्लेक्शन वीक है, उसके बाद मैं उसको रिवाइज करके फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता था। और उसी तरह मैंने सारे सब्जेक्ट को किया, और देन जब मेरा सारा सब्जेक्ट हो गया तब मैंने अक्टूबर में मिक्सड वाइज टेस्ट शुरू किया, तो मिक्स वाइज टेस्ट से मुझे पता चला फिर वीकनेसेस क्या है, और मैंने दिसंबर और जनवरी में फुल लेंथ टेस्ट फिर पूरा लगाया। तो फुल लेंथ टेस्ट 14-15 अगर आप लगाते हैं और प्रॉपर एनालिसिस के साथ, क्योंकि सर एनालिसिस बहुत जरूरी है, हमारी गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप और एमएसक्यू जो अभी गेट में ऐड हुआ है ये बहुत ही डेडली होता है, ये हमारे रैंक को पीछे कर देता है, तो इसके लिए रिविजन जरूरी है टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करता था प्रॉपर और उसके बाद रिवाइज करता था, बस यही मेरी स्ट्रेटजी थी। कितने मार्क्स का वेरिएशन रहा है? अगर आपने 14-15 मॉक टेस्ट दिया है मिनिमम मार्क्स कितना था, मैक्सिमम मार्क्स कितना था? ये सर जब मैंने शुरुआत किया था तो मेरे तो 39 मार्क्स आए थे सबसे पहले, 39-42 इस तरह से मार्क्स आते थे, काफी खराब लगता था, लेकिन मैंने अपने वीकनेसेस को काम किया, मेरे काफी सिली मिस्टेक्स पहले होती थी, सिली मिस्टेक्स पर मैंने काम किया। उसके बाद जब मैं जनवरी में देता था, 15 जनवरी के बाद मैंने 2-3 फुल लेंथ जब लास्ट में दिया था, तो मेरी अच्छी रैंक अंडर 500, अंडर 600, अंडर 700 ऑल इंडिया रैंक बन जाती थी, और एक्चुअल भी मेरी उतना ही हुई जब एक्चुअल एग्जाम गेट में हुआ। तो मार्क्स कितने आ रहे थे? टेस्ट सीरीज में मार्क्स सर, टेस्ट सीरीज में जैसे इस बार गेट की लेवल चूंकि थोड़ी अच्छी थी, तो इस बार मतलब मेरे गेट में मार्क्स 57 आए थे मैकेनिकल में, और टेस्ट सीरीज में मेरे मार्क्स आते थे 67-68, इस पर मेरी अच्छी रैंक बनती थी, आज सेम रैंक में इस बार गेट में 57 मार्क्स पर बनी है। अच्छा, समझ गया। अच्छा शुभम, जैसे अगर मैं कहूँ एक जो लास्ट टाइम होता है ना, मतलब जनवरी वाला जो टाइम है, हम मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं हमारा ठीक है, हम अपनी गलतियों को वहाँ पे रेक्टिफाई भी कर रहे हैं कि यार क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आप प्लान कैसे करते थे? कोई चार्ट बनाते थे या कहीं लिख के रखते थे? क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट है, आपने एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एग्जाम्पल दिया कि सर मेरा टॉर्शन वीक है या कौन सा पार्ट वीक है वो मैंने मार्क मतलब उस समय सुधार लिया, लेकिन ओवरऑल अगर हम 12 सब्जेक्ट के बारे में बात करें, बड़ा सिलेबस है, सो इसको कैसे आप मैनेज किए? यस सर, उसके लिए मैंने क्या बनाया था कि एक पेज में मैंने सारे सब्जेक्ट को नोट डाउन किया था, और उसके बाद मैं डेट बांट दिया था कि मंडे को मुझे इसका रिवीजन करना है, ट्यूजडे को मुझे इसका रिवीजन करना है, जनवरी के मंथ में स्पेशली, क्योंकि उस समय हमारे पास समय काफी कम होता है, हमारे पास सिलेबस काफी ज्यादा होता है, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, हर चीज इक्वल है। तो मैंने डे वाइज सब्जेक्ट को बांट दिया था कि मंडे को मैं 2 सब्जेक्ट का रिविजन करूंगा, और मैं एक और चीज अच्छा काम क्या करता था कि मैं डेली नाइट को 1 घंटा एप्टीट्यूड पे डेली टाइम देता था, और 1 घंटा मैथ्स पे डेली टाइम देता था जनवरी के मंथ में स्पेशली, तो 2 घंटे मैंने एप्टीट्यूड और मैथ्स को टाइम दिया, और बाकी 2 टेक्निकल सब्जेक्ट मैं एक दिन में रिविजन करता था, और इस तरह से मैंने हर दिन ऐसा किया, और फिर 2-3 दिन के बीच में एक एफएलटी देता था, और जो उसकी गलतियां होती थी फिर वापस जाके उसके नोट्स को पढ़ता था। इस तरह से मैंने अपने एक पेज में सारे सब्जेक्ट को नोट डाउन कर लिया था, और फिर मैंने ऐसा फॉलो किया था। हाँ, ये रिविजन प्लान तो मैं हमेशा बोलता ही हूँ स्टूडेंट्स को कि आप 1 घंटे मैथ्स और एप्टी पे बिल्कुल डेडिकेट कीजिए बिफोर द एग्जामिनेशन 1 और 2 मंथ। मेरा हमेशा कहना रहता है कि 1 दिसंबर से तुम मैथ्स और एप्टीट्यूड को देना शुरू करो उस समय रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि वो 28 नंबर आपका यस वेटेज सर, कैरी करता है, स्टैटिक और वो होता है। 28 नंबर अगर आप ठीक ठाक कर लिए उसमें 20 से 25 भी ले आए, सो आपका ऐसे ही आप बूस्ट करने वाले हैं अपने रैंक में। बिल्कुल। लास्ट वीक के बारे में मैं जानना चाहूंगा, एकदम लास्ट वीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम का प्रेशर है, डिमोटिवेशंस भी आते हैं। अच्छा पूरे प्रिपरेशन के दौरान ऐसा था क्या कि आपको डिमोटिवेशन आया या नहीं आया, क्या था?
सर वो तो हर एस्पिरेंट जो तैयारी करता है उसके लाइफ में ऐसा आता है। जब मैंने भी तैयारी किया था तो कभी अच्छे मार्क्स आते थे, कभी खराब मार्क्स आते थे, बहुत सारा सिचुएशन आता था सामने। उसको टैकल करने के लिए मैं नेगेटिविटी से दूर रहता था, सोशल मीडिया से दूर रहता था, क्योंकि हमारे नेगेटिविटी सोशल मीडिया से ज्यादा होती है। आप फ्रेंड से बात करेंगे उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, दोस्तों से बात करेंगे उसके कम आ रहे हैं, तो आपको कंपेरिजन होगा। लेकिन हमें कंपेरिजन नहीं करना चाहिए, हमें सेल्फ मिस्टेक से देखना चाहिए। तो सेल्फ मिस्टेक पर मैं काम करता था, थोड़ा नेगेटिविटी से दूर रहता था, और फैमिली एंड फ्रेंड्स का काफी सपोर्ट मिला मेरे मुझे इसमें। फैमिली से बात कर सकते हैं, फ्रेंड से बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, तो इससे काफी मुझे मोटिवेशन मिलता था। और जो आपने लास्ट वीक की बात की, तो लास्ट वीक में मैंने क्या किया था, अपना शेड्यूल को थोड़ा सा लाइट कर दिया था, उतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं रखा था। उसके बाद मैंने सिंपल अपना 5 to 6 आवर का बस शेड्यूल रखा था। जो मेजर मेजर सब्जेक्ट थे मेरे, सिर्फ फॉर्मूला मैंने रिवाइज किया था उस समय, ताकि फॉर्मूला में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला का जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था उसको रिवाइज किया था, और टेस्ट की मैंने मिस्टेक्स को रिवाइज किया था, और एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ने में ना बंद कर दिया था, कुछ नहीं पढ़ा था मैंने। बिल्कुल पढ़ना बंद कर दिए थे। यस सर, उसके 2 दिन पहले फिर मैंने अपना दिमाग को मोटिवेशन, थोड़ा सा मैंने मोटिवेशन करता था और बाकी कुछ नहीं करते थे, थोड़ा क्या बहुत करते एक थे, दो घंटा मतलब दिन में क्या एक्स्ट्रा करते थे 2 दिन? क्योंकि एग्जाम के फॉर्मूला दो पर। दिन पहले अगर मैं नहीं पढ़ूंगा सोचूंगा तो वो तो एक डर रहता है यार, दिमाग में चलते रहता है, तो क्या करते थे? लेकिन यस सर, लेकिन उसमें एक ये भी नेगेटिविटी आती है, अगर आप एग्जाम से पहले पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता था एग्जाम के एक दिन पहले मैं सारा फॉर्मूला भूल जाऊंगा। जब मैं फॉर्मूला देखता था लगता था कुछ नहीं याद आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब पेपर में देंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैं सिर्फ फॉर्मूला देखता था एग्जाम से पहले, 1 दिन पहले 2 दिन पहले सिर्फ फॉर्मूला देखा था, बाकी कुछ नहीं। और बाकी मोटिवेशन रखा था, दिमाग को शांत रखा था, थोड़ा अकेले में रहता था, और सोचा था कि उस दिन कैसे हमको पेपर अटेम्प्ट करना, बस यही सोचता था और कुछ नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अभी अब आगे आपने जैसे पहले ही बोल दिया था कि आप जॉब के लिए ही बेसिकली गेट में आए हो, सो क्या कौन कौन से पीएसयूज आप टारगेट करने वाले हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो स्कोर है ओवरऑल, आपको मौके तो मिलेंगे, जिस तरीके से अपॉर्चुनिटीज अभी गेट एग्जाम के थ्रू मैकेनिकल इंजीनियर्स को मिल रहे हैं, सो मुझे लगता है कि इस स्कोर पे आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो आपने क्या शॉर्ट लिस्ट किया है कि ये पीएसयू के चांसेस हैं मुझे मिलने को, क्या आपने सोचा है? यस सर, जैसे सबसे पहले एनपीसीएल लास्ट ईयर जब आई थी, तो अभी शायद इस साल एनपीसीएल सबसे पहले आएगी, उन्होंने शॉर्ट नोटिस दिया था। नहीं, तो अभी मेरा ई टारगेट आई अभी, एल का आ गया है। यस सर, ईआईएल का आया, तो ईआईएल में मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि 21 पास आउट उसमें एलिजिबल नहीं है, तो 22 और 23 एलिजिबल है, उसमें रिसेंट ईयर को ही मांगा जाता है ईआईएल में। तो इसके बाद मेरे पास ऑप्शन बस थी एनपीसीएल का, तो मैं एनपीसीएल इंटरव्यू को अभी टारगेट कर रहा हूँ। मैं थोड़े दिन के बाद एनपीसीएल इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे उसमें कॉल आ जाएगा, तो ओके एनपीसीएल इंटरव्यू करूंगा। और उसके बाद मेरा टारगेट है कि आईओसीएल का मुझे कॉल आ जाएगा, तो आईओसीएल में अगर मैं अच्छा स्कोर कर पाता हूँ इंटरव्यू में, तो फाइनल हो सकता है। और एनटीपीसी और ओएनजीसी, ये 3 मेरा टारगेट है, उसमें इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ तो। ओके सो एक जानकारी, एक्चुअली ये जानकारी मैंने शायद मिस किया कि रिसेंट ईयर पास आउट 22 को अलाउ करते हैं ना, आपने कहा यस सर, ई आई ट्वेंटी एल टू में। ट्वेंटी थ्री हाँ, रिसेंट ईयर बस, दो एक पहले और इस साल का, बस 2 ही साल को अलाउ करते हैं ये। ओके एक बार हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशंस तो आया है, डिटेल नोटिफिकेशंस के बारे में उसमें बात नहीं किए हम, तो उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट गाइडेंस के बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे कि किस तरीके की और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है स्टूडेंट्स को, है ना, इसके बारे में हम बात करते रहेंगे वीडियोज़ के थ्रू। तो शुभम, एक लास्ट सवाल है मेरा, जब आप एग्ज़ाम देकर लिख लें, है ना, एग्ज़ाम देकर लिख लें एग्ज़ाम सेंटर से, गेट का एग्ज़ाम, उस समय की फीलिंग एक्सप्रेस कीजिए कि क्या फीलिंग थी। ये सर, जब मैं जस्ट पेपर दे के निकला, तो इतना तो मुझे पता था कि पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन आप श्योर नहीं बोल सकते हो कि आपकी क्या रैंक बनेगी या क्या होगी, जब तक आंसर की आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये रिलेटिव कंपटीशन है, रिलेटिव कितने मार्क्स आए उस पर भी डिपेंड करता है। बट मैं इतना श्योर था कि मेरे तरफ से मैंने अपना बेस्ट दिया, और बाकी जो ऊपर वाला चाहता है वही होगा, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे के मैं सेटिस्फाइड था अपने परफॉर्मेंस से, जो मैंने एग्जाम में परफॉर्म किया था। बस मेरे यही फीलिंग थी कि मैं अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड था। बढ़िया, ठीक है शुभम, सो ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, जिस तरीके के आपके थॉट्स हैं, जिस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में अभी आने को बची हुई है, बशर्ते ये है कि उसके लिए जो अभी आप लगातार लगे हुए थे ना, मेहनत कर रहे थे, इसको आप बनाए रखिए, बेस्ट करेंगे लाइफ में। ऑल द बेस्ट दोस्त। यस सर, थैंक यू सर। लास्ट में एक चीज बस और आपसे मैं पूछना चाहूंगा, उसके बाद हम ये सेशन एंड करते हैं। अभी जो 24 या 25 के लिए जो स्टूडेंट है, चाहे वो जॉब, क्योंकि आप तो ड्रॉप लिए थे, है ना, तो जॉब, कॉलेज और ड्रॉप,
ये तीनों के लिए अगर कोई पॉइंट आप बोलना चाहे, है ना, जो लगता है कि उनको अगर अच्छा लगेगा तो वो अडॉप्ट करेंगे, नहीं तो ठीक है, आप बता दीजिए क्या पॉइंट्स आपको लगता है कि अडॉप्ट करना चाहिए एक एस्पिरेंट्स को। मैं एक स्टूडेंट को सबसे पहले यही बोलूंगा कि गेट की तैयारी करते समय अगर आपकी एक बार तैयारी हो गई है तो सबसे जरूरी होता है रिवीजन। जो फॉरमोस्ट चीज है वो शॉर्ट नोट से रिवीजन। अगर आप प्रॉपर शॉर्ट नोट से रिवीजन नहीं करेंगे आपके गेट में कभी रैंक नहीं आ सकती है, क्योंकि गेट एक डिफरेंट टाइप की एग्जामिनेशन है, इसमें डिफरेंट वेरायटी के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं हर स्टूडेंट से यही बोलूंगा रिविजन फॉरमोस्ट कीजिए। एक सब्जेक्ट के 20 to 30 टाइम्स आपको रिविजन होना चाहिए। आपके जो फॉर्मुले हैं सारे सब्जेक्ट के आपके टंग पर होने चाहिए, चाहे मैथ के फॉर्मुले हो चाहे सारे टेक्निकल सब्जेक्ट के फॉर्मुले हो, ताकि आपको कभी भी कोई पूछे, चाहे सुबह में पूछे चाहे रात में पूछे, आपको फॉर्मुले याद होने चाहिए। तो आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है पढ़ने के बाद, रिविजन रिविजन एंड रिविजन। बस यही सीक्रेट है गेट में अच्छी रैंक लाने का। ठीक है, ग्रेट। सो बड़ा अच्छा लगा शुभम आपके थॉट्स सुन के, आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस टू अस, है ना। आगे मुझे लगता है कि आप काफ़ी अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्त, थैंक यू। सर थैंक यू।